माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टीन एजर स्किन केयर रूटीन ऑयली स्किन वालों के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने फेस पे टोनर लगा रही हूँ, गुलाब जल से स्प्रे कर रही हूँ और एक वाइप्स की हेल्प से मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो डायरेक्ट अपना फेस वॉश मत कीजिए, सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से रोज़ वाटर से क्लीन कर लीजिए, देन अपना फेस वॉश यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ किया है। ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश है, टीन एजर्स के लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश है। ये आपके फेस में से सारे एक्स्ट्रा ऑयल, जो भी ऑयल होता है उसे ख़त्म करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बनाता है। टीन एजर्स के लिए सबसे बेस्ट वाला मैं कहूँगी कि ये फेस वॉश है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, और यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने से देखिए मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड क्लियर हो गई है। अब मैं यहाँ पे हिमालया का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे अच्छा स्क्रब है। अगर आपकी ऑयली स्किन के साथ साथ पिंपल्स भी हैं आपकी स्किन पे, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे आपके जो पिंपल्स हैं वो फट सकते हैं। और जिनकी सिर्फ ऑयली स्किन है वो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, हफ्ते में आप दो बार इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पर इसे स्क्रब कीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए। इससे जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, ऑयल की प्रॉब्लम है, जो भी ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। 2 या 3 मिनट आपको इसकी अच्छी तरह से मसाज करनी है। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं तो आप इसे अवॉइड करें, स्किप करें। तो मैंने यहाँ पे स्क्रब कर लिया है और अपना फेस वॉश कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे हिमालया का नीम फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट फेस पैक है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइए। मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया है और अपने फेस पे लगा रही हूँ। इससे जो भी मेरे फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये उसे भी ख़त्म करेगा, मेरी स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बनाएगा, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करेगा। फ्रेंड्स, नीम तो आपको पता ही है कि हमारी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है, इसमें टर्मरिक भी ऐड है। 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे आप अपने फेस पर रहने दें और आफ्टर 10-15 मिनट्स आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। इसे लगाने के बाद ही आपको अपनी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लगेगी, फ्रेश लगेगी, फ्रेश फील होगी। तो अब मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ, इसे अच्छी तरह से ड्राई होने दीजिए। डैब डैब करके आप इसे ड्राई कर सकते हैं। अब मुझे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ऑयली स्किन वाले हमेशा जेल बेस ही मॉइस्चराइजर यूज़ करें। मैंने यहाँ पे हिमालया की बेबी क्रीम लिया और एलोवेरा जेल, पतंजलि की एलोवेरा जेल, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एलोवेरा जेल यूज़ की है। अगर आपके पास हिमालया बेबी क्रीम है तो वो भी बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए। आप ये मत सोचिए कि अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। नहीं फ्रेंड्स, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी ऑयली स्किन नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट हो सकती है। अब मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पर लोटस का सनस्क्रीन लिया है, ये सबसे बेस्ट वाला सनस्क्रीन है ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आप नाइट में अपनी स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर लीजिए और कोई भी अपनी नाइट क्रीम यूज़ कर लीजिए।
डैप डैप करके आपको इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे। आपको इसकी मसाज नहीं करनी है, डैप डैप करके इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व होने देना है। तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल लाइट वेट सनस्क्रीन है। इसे लगाने से आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा, आपको अपनी स्किन भारी भारी से फील नहीं होगी। और लास्ट में मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, और अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने हिमालय की बेबी क्रीम यूज़ की है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।